बॉबी झा मिनस न्यूज लाइन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। सिंगापुर के मैडम तुषार म्यूजियम में लगा शाहिद कपूर का वैक्स स्टैचू। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर इस वक्त अपनी फिल्म कबीर सिंह के चलते खूब सुर्खियों में हैं। कबीर सिंह को लेकर फिल्म में शाहिद के साथ कियारा आडवाणी है, वही हाल ही में शाहिद के हाथ एक उपलब्धि लगी है। दरअसल हाल ही में शाहिद का मौन का पुतला सामने आया है। सिंगापुर के मैडम तुषार म्यूजियम में शाहिद के वैक्स स्टैचू का अनावरण किया गया है। शाहिद अपनी पूरी फैमिली के साथ सिंगापुर गए थे। बीते दिनों ही इन्हें उनकी पत्नी मीरा बेटी और बेटे जैन के साथ एयरपोर्ट पर देखा गया था। शाहिद कपूर ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टैचू के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की। इस फोटो को शेयर करने के साथ उन्होंने कैप्शन में पेनिंग लिखा है, मैडम तुषार म्यूजियम से आए शाहिद कपूर की इन तस्वीरों को देखकर ये पाना मुश्किल है कि कौन रियल है और कौन पुतला है। शाहिद कपूर ने अपने पुतले से ठीक बगल में खड़े होकर अपनी खूब तस्वीरें खिंचवाई। वही सोशल मीडिया पर शाहिद की ये तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है। वैक्स स्टैचू में तो इसमें शाहिद की दाढ़ी नजर आ रही है। वही शाहिद पुतले ने ब्लैक फोट व्हाइट शर्ट बो और ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ है। डांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर उतरने से पहले मल्लिका शेरावत ने शेयर किया ये डांस वीडियो। 14 मई से दुनिया भर में कांस फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत आज कांस के रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेरने जा रही है। वही एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत भी कांस फेस्टिवल की तैयारियों में जोरों शोरों से लगी हुई है। मल्लिका शेरावत एक दिन कांस फेस्टिवल के दौरान ही अपनी नई नई फोटो और वीडियो शेयर कर रही है। इस बीच मल्लिका शेरावत ने एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में मल्लिका शेरावत कांस फेस्टिवल के दौरान डांस करती हुई नजर आ रही है। ऐश्वर्या राय बच्चन, सोनम कपूर, दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत और मल्लिका शेरावत कांस के रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार है। तो MNS न्यूज ऐप की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।